तभी तो आज मैं अपने घर में मौजूद हूँ और वीकेंड गुजारने आई हुई हूँ। इरादा तो मेरा ये था कि मैं यहाँ पर आके कुछ रोड शोज़ करूँ ताकि आपको मुझे बहाउद्दीन के लोगों के हवाले से कुछ अंदाज़ा हो और यहाँ के इलाके से भी आप थोड़े से रोशनास हो। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कल 4 घंटे का सफ़र मुझे 6 घंटों में पड़ा और उसकी रीज़न TLP थी। उन्होंने जब अपना पुरअमन एहतजाज वो कर रहे थे तो वो उस पुरअमन एहतजाज के दौरान उन्होंने सड़कें खोद डाली। उन्होंने कहा कि यार पुरानी हो गई, हुकूमतों को चाहिए, हुकूमत को आपके वो नई सड़कें बनाएं। तो उन्होंने जाते जाते ना हुकूमत के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा की और उन्होंने ना सारी सड़कें जो है ना उनको खोद खाद डाला। तो वो अच्छा खासा लंबा सफ़र हो गया और जो मेरा ट्यूब कुशन था जिसके बगैर मैं बैठ नहीं सकती हूँ टेल बोन फ्रैक्चर की वजह से, वो डॉक्टर ने मुझे ये जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे पता क्या कहा था कि जिस तरह ये आपने अपना बैग पहना हुआ ना, आप इस बैग की जगह इस ट्यूब कुशन को पहन ले कि आपने इसके बगैर आपने बैठना नहीं है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप खड़ी हो जाए लेकिन आपने बैठना नहीं है। तो फिर कल ये पेंचर हो गया, 2-3 घंटे जो है ना वो मुझे बड़ी मुश्किलों से मैंने सफ़र किया। तो खैर वो कल वाला जो सफ़र था ना वो वाकई सफ़र था, मैंने बहुत सफ़र किया। तो फिर इसलिए आज इंजेक्शन वगैरह लगवाया मैंने पेन किलर का और ये और वो, तो एक अच्छी खासी लंबी कहानी बन गई। तो फिर ये हुआ कि मेरा बाहर जाने का इरादा आज का तो तर्क है, अब कल देखते हैं कल क्या सीन होता है। अगर तो तबीयत बेहतर हुई तो फॉर श्योर मैं बाहर जाके आपके लिए एक मज़ेदार सा प्रोग्राम करूँगी। वैसे मैं पर्सनली व्लॉग बनाना चाह रही थी एक मंडी बहाउद्दीन का, ताकि आपको ये पता चले कि जो छोटे शहर हैं वो कैसे हैं और वहाँ पर क्या सीन पार्ट है। वैसे मंडी बहाउद्दीन के हवाले से अगर आपको 2-4 बातें बताऊँ तो वो ये है कि यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। जितने भी जजेस हैं, जितने भी वकला हैं, जितने भी यू नो CSS के इम्तिहान लोग पास करते हैं, उनमें से बेशतर जो है वो मंडी बहाउद्दीन से हैं। और मंडी बहाउद्दीन एक और चीज़ में बड़ा मशहूर है, डंकी लगाने में। जितने भी लोग ईरान के तरफ से डंकी लगाते हैं या इस आई डोंट नो और कौन से रास्तों से डंकी लगाई जाती है, तो वो जो है ना उनमें से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग मंडी बहाउद्दीन और फालिया के हैं जो डंकी लगाते हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन चले। अच्छा जी, तो फिर बाहर जाकर प्रोग्राम करने का तो जो है सीन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन मैं अभी स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि अक्षय यादव नामी एक प्राणी है जिन्होंने जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए मुसलमानों के लिए अपना जो है गिराज वो खोल दिया। एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं इतना एक वो होते हैं ना क्यूट सा एक तासुर और ये क्यूटनेस ही आपके वो दिल में वो उभरती चली जाती है, तो वैसे एक क्यूट सी फीलिंग मुझे आई कि यार ओके वाओ। और ये वो चीज़ है जो मैं शायद चाहती हूँ। मैं किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे याद पड़ता है मेरे एक साथी हुआ करते थे, मेरे क्लास फेलो थे, वो कहा करते थे कि यार मैं मोहब्बत हूँ और मेरा काम मोहब्बत फैलाना है, मुझे दुनिया रुए रुए ज़मीन के हर शख्स से हर चीज़ से मोहब्बत है। तो मुझे लगता है कि वो उनकी वाली रूना मेरे अंदर आ गई हुई है। तो मुझे भी अब ये लगता है कि यार मोहब्बत और अमन ये नहीं है कि आप किसी को देखकर आप मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। आपने कभी देखा कि ये मोहब्बत की एक बड़ी एक ये बारीक सी निशानी होती है कि आपको कभी भी किसी से भी मोहब्बत हो जाती है, आप कभी भी किसी शख्स का चेहरा देख कर उसे मोहब्बत नहीं करते हैं, किसी शख्स का जिस्म देख के उसे मोहब्बत नहीं करते हैं, मोहब्बत आपको बस हो जाया करती है। तो बस यही वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ, किसी भी मज़हब से बालातर होके, किसी भी सरहद से बालातर होके बस अमन रहे, खुशी रहे। और बाकी ये है कि हल्की फुल्की खिटपिट तो हर जगह रहती ही रहती है, इवन एक घर में, यार एक घर में जहाँ पे बहन भाई अम्मा अब्बा होते हैं वहाँ पर खिटपिट जारी रहती है। तो फिर दो ममालिक तो बहुत बड़ी बात है और फिर पूरी दुनिया तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत खुशी दी वो ये कि यार जब मैंने ये खबर पढ़ी तो उसके बाद ना मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर मैं सर्च करने लग गई, मैं देख रही थी, तो आई केम टू नो कि यार इस तरह का वाकया बहुत दफ़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों की बात है कि जो सिख भाई थे उन्होंने गुरुद्वारा खोल दिया मुसलमानों को के लिए कि वो जाकर नमाज़ पढ़े। तो ये चीज़ इतनी क्यूट थी, इतनी अच्छी थी और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे ऐसी खुशी हो रही थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो दिस इज़ द थिंग। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा
मतलब ये कोई पहली दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा हो चुका है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे लिए ये कोई बहुत हैरान कन बात इसलिए थी कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि दूसरे ममालिक में या इंडिया में इस तरह के कोई काम नहीं होते हैं। लेकिन यार चूँकि मैंने अभी तकरीबन आप ये कह लें कि बहुत रिसेंटली मैंने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से काम करना शुरू किया है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरी मालूमात में इजाफा हो रहा है। तो जब ये चीज़ मुझे पता चली ना, तो मुझे हुआ कि यार पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी हर जगह पर है, पॉजिटिविटी, मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ें हर जगह पर मौजूद हैं। शायद पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, शायद हमारे सरहदें जो हैं उनकी वजह से या क्या, वरना इंसान तो यार सारे के सारे सेम हैं, मतलब लोग तो सारे के सारे वैसे ही होते हैं, क्या मज़हब, क्या ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखिए तो हम लोग सब ही एक जैसे हैं। और ये यही चीज़ इंसानियत कहलाती है कि आप किसी के लिए कितनी आसानी पैदा करते हो। मैंने बहुत पहले आज़ादी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन ही आज़ादी के हवाले से कुछ चंद लाइन्स थी, वो ये था कि आपकी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर आप किसी दूसरे को आज़ार पहुँचाना शुरू करते हैं, किसी और को तकलीफ़ देना शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज़ादी ये है कि आप अपने हद तक, अपने दायरे कार में जो चाहें करें, तब तक जब तक किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे। मुझे इंसानियत की भी यही डेफिनेशन लगती है, मुझे लगता है इंसानियत भी यही है। इंसानियत का मतलब भी यही है कि आप अपनी वजह से दूसरों को कोई भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं, बल्कि अपनी वजह से दूसरों को के लिए आसानी पैदा करें। अब इसी एहतजाज को ले लें, अब अपने मुल्क का नुकसान करके चले गए हैं यार, मतलब 4 घंटे का सफ़र, बल्कि 3.5 घंटे का सफ़र, 6 घंटे मुझे लगे घर पहुंचने में। और जब मैं रिक्शे पे बैठी, ट्यूब कुशन मेरा वैसे ही ख़राब हो गया हुआ था, तो मुझे पता है कि जिस तरह से ड्रुन 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 करके मैं आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना वो हिप हॉप टाइप या ऐसा कुछ मैं कर रही हूँ, तो ये वाला सीन हो रहा था। तो भाई हमारे यहाँ तो अब ये रिवाज पाया जा रहा है कि हम तो अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। और पता है ये हर जगह ही तकरीबन हो जाता होता है, जब भी कहीं पर एहतजाज हो ना, तो पूरा अमन एहतजाज के बजाय लोग जो है ना चीज़ों को ख़राब करने पर तुले होते हैं। अब इसकी रीज़न मुझे ख़ास कोई समझ नहीं आती, मतलब यार आप चाहते हैं कि एक मुल्क में बेहतरी आए। अब ये जो एहतजाज हुआ था पिछले दिनों, अब उसका मतलब तो ये था कि जी हम बेहतरी लाना चाहते हैं, हम मुल्क में ये कानून लाना चाहते हैं, हम मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं। तो मुल्क की अशिया को तोड़ ताड़ के, मुल्क की चीज़ें ख़राब करके आप कौन सी बेहतरी लाना चाहते हैं? सही लोगों, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। पर ये आज़ादी तो ये है कि, और बेहतरी तो ये है कि आपकी वजह से किसी को, मतलब हल्का सा कोई किसी का दिल तक ना दुखे, तो आप एक अपने ही मुल्क की, जो आपका मुल्क है, आप उसी की प्रॉपर्टीज़ ख़राब कर रहे हैं। तो भैया कौन सी आप मुल्क का भला करना चाह रहे हैं? मुझे तो इस बात की कतई ही कोई समझ नहीं आई। और फिर कल आते आते मैंने अच्छी खासी कोई सलावते यार पता नहीं, मतलब मैंने अच्छी खासी ना उनको फिर बातें सुनाई कि ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे कौन करता है। तो खैर, लेकिन ये है कि बैक टू द टॉपिक, अच्छा था, अच्छा लगा पढ़ के, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो पॉजिटिव खबरें, अच्छा ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ पर ना पॉजिटिव खबरें इतनी ज़्यादा पहुँचाई नहीं जाती। आप यूट्यूब चैनल्स खोल के देख लो, यूट्यूब चैनल्स में पता क्या होता है, मैं भी देख रही थी, एक स्टोरी थी कि सास और बहू की कोई स्टोरी थी, ठीक है, तो वो ना एक एंकर जाके ये पूछ रही है कि भाई तुम जो हो ना, सास से पूछ रही है या बहू से पूछ रही है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि वो आप पे किस तरह से जुल्म करती थी, वो आप पे क्यों जुल्म करती थी, अच्छा उसने आपको, आपके साथ ऐसा किया, उसने आपके साथ ऐसा किया। यार मतलब पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान कम जाता है, आप अपनी स्क्रोलिंग कर रहे होगे ना, तो आपको बहुत कम पॉजिटिव कोई स्टोरीज नज़र आएंगी। जहाँ पे भी आपको स्टोरीज नज़र आएंगी ना, यही आएंगी कि ओ हो फ़लाँ ने ये कर दिया, ओ हो ढिमका ने ये कर दिया, भाई फ़लाँ ने ये किया, मतलब अच्छे वे में, वो भी तो कोई डाल गया यार, ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसा तो नहीं ना होता। अच्छा जी खैर, अब जो, बाय बाय।